यहाँ कुवैत में एक ऐसा काम है जो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा मोड़ा काम करना रहेगा, बाकी का काम मशीन का रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस चलिए मैं आप लोग को एक नई चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी होती है बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, और जो कि पूरा काम होता है मशीन के द्वारा होता है। और यहाँ पे लोग कम से कम 200 दिनार से लेकर 250 दिनार तक कमा लेते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये भी दिखाऊंगा कि आपको काम क्या रहेगा, जो कि आपका जो काम रहेगा बहुत ही कम रहेगा, बस मशीन के द्वारा पूरा काम करना रहता है और बस थोड़ा मोड़ा आपको हेल्प करना रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि काम करना कैसे है आपको, और आपको थोड़ा मोड़ा काम करना है बस, आपको कुछ भी काम करना नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मशीन मेरे पास है जो कि मेरी कंपनी के बाहर काम हो रहा है, तो वो काम कैसे करते हैं वो लोग। तो चलिए गाइस आप लोग देखिए, और आपका आप लोग को कुवैत में आना है इस काम में तो आप लोग को जरूर देखना इस वीडियो को अच्छे से, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाए बाकी बाई वीडियो के साथ। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इंडिया के हैं और दूसरे कंट्री के लोग भी हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को प्रोसीड कीजिए, आगे देखिए। गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो काम करने के लिए, जैसे जहाँ कहीं पे बिल्डिंग वगैरह बनती है, अगर आपको वहाँ पे काम करना है, जैसे आपका वीज़ा कोई भी हो वो लोग ले सकते हैं, और बस कंडीशन ये है कि आपके पास अकामा होना चाहिए, बिना अकामा के आपको वहाँ पे लेते नहीं हैं। और जो मैं बात करता हूँ जो काम वगैरह है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 8 से 9 घंटा ड्यूटी रहेगी और बस पूरा काम मशीन करती है, बस आपको थोड़ा हेल्प करना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो यहाँ पर लेबर वगैरह हैं जो काम करते हैं, और ये लोग महीने में कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं, जो कि ये लोग इंजीनियर हैं, लेबर वगैरह नहीं। बस यहाँ पे जो इंजीनियर वगैरह जो काम करते हैं, बिल्डिंग बनती है, वो लोगों की सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उन लोगों का पूरा यानी कि काम देखना रहता है। ये नहीं कि अगर कोई भी गलती हुई तो पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की रहती है। तो बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे, भाई यहाँ पे जो बिल्डिंग वगैरह बनती है तो यहाँ पे कैसे जॉब मिलेगी? तो आपको जॉब आराम से मिल सकती है, जैसे कि देख सकते हो ये बंदा है मशीन वगैरह से उठवा रहा है पूरा सामान, बस नीचे अच्छे से रस्सी बांधा है, अगर रस्सी नहीं बांधेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पूरा क्रेन का सिस्टम होता है, ना कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो के थ्रू एक कंटेनर था जो कि एक बड़ा क्रेन था, सॉरी वो बड़ा क्रेन था एक, जैसे कि एक पैलेट वगैरह होता है लकड़ी का, वो उसमें मशीन के द्वारा उठाता है, और इसमें किसी भी बंदे को उठाने की जरूरत नहीं, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, जमीन से लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह उस सामान को रिप्लेस करना रहता है और कुछ भी नहीं करना रहता है, बस आपको थोड़ा मोड़ा यानी कि इंजीनियरिंग के तौर पर कुछ पता होना चाहिए, टेक्निक वगैरह, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो कि सैलरी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, 250 दिनार से लेकर 300 दिनार तक सैलरी होती है, 250 दिनार तो आपको पक्का ही मिलेगी, साथ में अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस आकर रहेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको 300 दिनार से प्लस मिल जाएगी। तो 300 दिनार इंडिया के हिसाब से पड़ जाता है आज के हिसाब से, जो कि 80,000 रुपये करीब पड़ जाता है। तो बस आज की वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में इसी तरह का कंटेंट, तो जैसे कुवैत में जॉब कैसे मिलती है और कुवैत में कैसे आए और कुवैत की जो कि जॉब वर्किंग टाइम कैसा रहता है, तो मैं अपने वीडियो पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।